हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज है ट्यूसडे और आज मॉर्निंग की शुरुआत देखिए कितनी अच्छी हुई है। सुबह से ही आज काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और मौसम एकदम ठंडा हो गया है क्योंकि काफ़ी दिन से बहुत गर्मी हो रखी थी और बारिश भी नहीं हुई थी। और आज सुबह उठते ही जब देखा कि बारिश हो रही है, मौसम इतना अच्छा हो रखा है तो दिल खुश हो गया। बस यही है कि ये बरसात के मौसम में मौसम तो बहुत अच्छा रहता है पर बस जो सड़क है वहाँ पर पानी बहुत भर जाता है और आने जाने में बड़ी थोड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और अब मैं ऊपर छत पर आई थी, बारिश भी बंद हो गई है और बारिश के बाद मौसम एकदम ठंडा हो जाता है, हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर यहाँ पर सैर करी जाए और अब मैं 5-10 मिनट के लिए यहाँ पर घूम रही थी और ठंडी हवा का मज़ा ले रही थी क्योंकि बारिश के बाद काफ़ी देर तक मौसम थोड़ा ठंडा रहता है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। और ऊपर बारिश आने से छत पे भी काफ़ी मिट्टी मिट्टी हो जाती है तो मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़ी देर सैर कर लेती हूँ और उसके बाद फिर छत को भी धो दूँगी। और अगर हम अपने घर के कामों को इन्जॉय के साथ करें, उसे खुश होकर करें, उसे कोई बर्डन ना समझें तो काम पता भी नहीं चलते कि कब हो जाते हैं और आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर हर काम को करिए तो देखिए आपको काम करने में भी बड़ा मज़ा आएगा। और हर काम को करने के लिए पहले टेंशन या लोड नहीं लेना पड़ता, हर काम को खुशी से और दिल से करना चाहिए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर के काम कब फिनिश हो भी गए और आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स रहेंगे। सुबह काफ़ी तेज़ बारिश थी और अब देखिए एकदम मौसम साफ़ हो गया है और धूप भी काफ़ी तेज़ निकल गई है। मौसम का भी कुछ पता नहीं लगता, कभी एकदम बारिश होती है और कभी एकदम धूप निकल जाती है। और चलिए मौसम अब साफ़ हो गया था और सफाई भी मेरी सारी अच्छी तरह से हो गई है और अब मैंने गद्दों को धूप में रख दिया है धूप लगवाने के लिए क्योंकि बरसात के मौसम में काफ़ी चीज़ें सलहाब सी जाती हैं तो धूप लगवाने से वो एकदम से फ्रेश सी हो जाती हैं। तो मैंने ये वाले हल्के वाले गद्दे भी धूप में रख दिए हैं और अब इसके बाद दूसरे बेड वाले गद्दे भी मोटे वाले वो भी लगवाऊंगी उनको धूप। और अब मैं आ गई हूँ नीचे किचन में और बना रही हूँ चावल और साथ में बनाए हैं मैंने इसके राजमा। आज ये भी घर पे ही थे तो मैंने सोचा कि चलो आज राजमा चावल बना लेती हूँ क्योंकि वैसे डेली इनका लंच पैक करके साथ ही ले जाते हैं तो फिर सुबह बहुत कम होता है कि मैं राजमा बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं ड्राई सब्जी या फिर दाल वगैरह ही बना लेती हूँ। तो आज ये भी घर पर थे तो मैंने सोचा कि चलो आज राजमा चावल बनाते हैं। और यहाँ पर मैं चावल को धोकर कुकर में डालकर रख रही थी और दूसरी साइड कढ़ाई में राजमा बन रहे थे। और जब तक राजमा चावल बन रहे हैं तब तक मैं बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ करके रख रही थी। रात को हमारे घर गेस्ट आ गए थे तो फिर उनका डिनर था तो डिनर वगैरह करने के बाद मैंने बर्तन क्लीन करके सारे रख दिए थे पर उनको लगाया नहीं था अभी। तो अब सुबह के भी बर्तन मैंने थोड़े से ही थे हमारे ब्रेकफास्ट के तो वो भी मैंने धोकर इसमें ही रख दिए थे और अब इकट्ठे सारे बर्तन अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं तो मैं इनको सबको अरेंज करके रख रही हूँ। वैसे तो हमारी रूटीन टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही चलती है पर कभी कभी जब गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो उनको भी टाइम देना पड़ता है, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है और ये ज़रूरी भी है कि जब कोई आपके घर में आए तो उसे अपना पूरा टाइम दें।
और ऐसे में आपका शेड्यूल थोड़ा सा फिर चेंज हो जाता है। तो ये तो कभी कभी चलता रहता है, कभी कोई शेड्यूल होता है तो कभी कोई शेड्यूल होता है, टाइम के हिसाब से ही सारे काम चलते हैं। तो यहाँ लीजिए, बातों बातों में मेरे सारे बर्तन भी सेट हो गए हैं और किचन बिल्कुल रेडी हो गई है। तो साथ में सब्जी और चावल भी बन रहे हैं और साथ में आपसे बातें भी कर रही हूँ और साथ में मेरी किचन भी ऑर्गेनाइज हो गई है पूरी। और जहाँ मैंने बर्तनों वाली बास्केट खाली करके रख दी है तो थोड़ी सूख जाएगी, और सब्जी और चावल भी मेरे बन गए हैं तो मैंने गैस कर दी है ऑफ़, और अब करेंगे थोड़ी देर में लंच। और अब हो गया है शाम का टाइम, देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और लंच करके हमने थोड़ी देर रेस्ट करी, फिर उसके बाद शाम की चाय पीने के बाद अब हम जा रहे हैं सोनिया दीदी के घर। और बारिश के बाद देखिए कितनी हरियाली हो जाती है, खेत एकदम साफ साफ बहुत सुंदर लग रहे हैं, और कितनी हरियाली ग्रीनरी हो रखी है, बहुत ही सुंदर व्यू है। और यहाँ पर इनको एक कॉल आ गई थी तो ये फ़ोन पर स्कूटी रोक कर बात कर रहे थे, तो मैंने खड़े होके थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। और यहाँ हम पहुँच गए हैं सोनिया दीदी के घर, और हम आए थे गोल्डी को मिलने के लिए क्योंकि गोल्डी जा रहा है दुबई और इसकी कल फ्लाइट है, तो हम इसको जाएंगे कल एयरपोर्ट छोड़ने। और तो यहाँ पर बस इसकी पैकिंग वगैरह सारी डन हो गई है और ये 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के लिए जा रहा है, और इसकी चंडीगढ़ से ही फ्लाइट है। तो आज तो ये था हमारा आज का व्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, ताकि मेरी आगे की वीडियोस आप तक पहुंच सकें।